हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। आज हम चानम्बर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाना सीखेंगे। देखिए, मैंने चानम्बर लड्डू गोपाल जी के लिए ये बेस बना के तैयार करा हुआ है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और देखिए, पहले हम सबसे पहले मेजरमेंट चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे चानम्बर लड्डू गोपाल जी का बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने देखिए 0 से लेके 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी का साइज लिखा हुआ है। ये घेरे का साइज है हमारा, चोली का साइज, कमर का साइज और डायमीटर। 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमें देखिए 8 डायमीटर चाहिए, जो कि हमने बना के तैयार करा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए यहाँ रखेंगे इंची टेप को, और इसका देखिए मेजर करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 3.5 इंच आ रहा है हमारा ये। अब हमें देखिए 4 इंच की नेट की पट्टी कट करनी है चौड़ाई में, जो कि मैंने पहले से कट करी हुई है फ्रेंड्स। देखिए, ये हमने 4 4 इंच चौड़ी लंबी पट्टी कट करी हुई है, और लंबाई में मैंने ये 50 ली हुई है, 50 इंच की है। देखिए, अगर आपको घेरी घेरी प्लेटें डालनी है तो आप 50 से ज़्यादा भी कट कर सकते हैं। लंबाई की कोई वो नहीं है कि आप कितनी लंबाई लें, आप लंबाई अपने हिसाब से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमें देखिए चुन्नटें डालनी है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में चुन्नटें डालने का आसान तरीका बताया हुआ है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। देखिए, हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखते हुए, और देखिए थोड़े पास पास करते हुए हम चुन्नटें डालेंगे इस तरह से। देखिए, ऊपर से बराबर होने चाहिए हमें हमारे, और यहाँ नीचे की देखिए, नीचे से भी हम सेट करते जाएंगे। ऐसे करते हुए हमें चुन्नटें डालनी है और सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, और इसी तरह से मैंने देखिए सारे में लगा के कंप्लीट कर लूंगी। देखिए, हमने सिलाई लगा दी है और देखने में ऐसा लग रहा है हमारा घेरा। अब हमें देखिए क्या करना है, हमने जो ऊपर से प्लेटें बनाई है, हमें उसी तरह से नीचे की साइड भी बनाते हुए और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। देखिए, ऐसे सेट करेंगे हम पहले, फिर सिलाई करते जाएंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है बाहर की तरफ, उसको हम कट कर देंगे। चलिए, हम इतना काम कर लेते हैं। हमने सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया है। अब हमें देखिए यहाँ पे लेस लगानी है। हमने गोल्डन कलर की लेस ली हुई है, पतली वाली। हम इसको देखिए किनारे किनारे लगा देंगे। मैं यहाँ फेविबॉन्ड यूज कर रही हूँ। देखिए, ऐसे रखते हुए हम इसके किनारे किनारे गोलाई में लेस लगा देंगे। देखिए, हमने लेस लगा दी है और हमारा घेरा तैयार हो गया है। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। मेरे पास ये वाली लेस है, पैच वाली। आप चाहो तो इसको ऐसे भी राउंड राउंड करके लगा सकते हैं। मैं यहाँ कट करके लगाऊंगी ताकि हमारी गोलाई ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए, पैच वाली लेस को हम ये कट करके लगा सकते हैं बड़े ही आराम से। देखिए, मैंने ऐसे पैच बहुत सारे कट करके रखे हुए हैं। देखिए, अब हम इसको किनारे किनारे लगाएंगे। इससे हमारी गोलाई काफी अच्छी लगती है। देखिए, ऐसे लगाएंगे तो हम ऐसे लगाते हुए हम ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है, और हमने बीच में पैच लगा दी जिससे हमारा घेरा और भी हैवी लगे, और स्टोन पेस्ट कर दिए। और देखिए कितना हैवी हमारा घेरा तैयार हुआ है।
और ये लड्डू गोपाल जी के ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगा। चलिए अब चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बुकरम कट करी हुई है, देखिए इसकी लंबाई मैंने 5.5 इंच ली है और चौड़ाई हमने 2 इंच और 2 पॉइंट लिए। अब हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करना है हाफ, और एक बार और करेंगे, दो बार फोल्ड कर दिया हमने ये इसको। अब हमें निशान लगाना है, देखिए पहले हम नेक पे निशान लगाएंगे, जो बंद हिस्सा है हमारा यहाँ हम नेक पे निशान लगाएंगे। देखिए 1/2 इंच पे निशान लगा रहे हैं हम ऊपर से, और इसी तरह से हम इधर की साइड भी लगाएंगे और इसको हम गोलाई दे देंगे। अब हमें बाजू की गोलाई देनी है, देखिए ऊपर से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा 1/2 इंच, और जो हमारे नीचे से खुली साइड है वहाँ पे हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, इधर भी 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। अब इसको हम गोलाई दे देते हैं बाजू की। और इसको हम कट कर लेंगे, देखिए हमने चोली कट कर ली है। अब हमें देखिए इस पे कपड़ा पेस्ट करना है, हमने कपड़ा पेस्ट कर दिया है, और जो ये इसके धागे निकल रहे हैं उसको हम देखिए लाइटर की सहायता से हम इसको किनारे सिक्योर कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद हमें देखिए हमने ये गोटा लिया है पतला वाला, और इसके किनारे किनारे पे हम पेस्ट कर देंगे। चलिए इतना काम हम कर लेते हैं, हमने अपनी चोली तैयार कर ली है। और देखिए हमने स्टोन वगैरह पेस्ट कर दिया, आपके पास जो भी मटेरियल हो सजाने का आप उससे अपनी चोली को सजा सकते हैं, और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी चोली भी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।